ये 2 इंची चौड़ी टेप ले लेंगे। ये टेप जो है 2 इंची चौड़ी जो टेप है ये पॉलीथीन की टेप है, और इसको ऐसे ले करके और तने के ऊपर लगभग इसको 4 इंची तक हम ऐसे इसके ऊपर रोल कर देंगे। तो इसके रोल करने से क्या होगा कि हमारे जो पेड़ के ऊपर जो सुंडी चढ़ेगी वो सुंडी चढ़ नहीं पाएगी, वो इस पर रपटने लगेगी यानी फिसलने लगेगी, और फिसल के नीचे ही गिर जाएगी, पेड़ के ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि जो है ये पेड़ के मुलायम भाग में ही छेद करती हैं, टहलियों में छेद करती है, और उसके तने में जो मुलायम इसका भाग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खेती किसानी और बागवानी पर। किसान भाइयों, आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आपके जो पॉपुलर के पेड़ हैं 2 साल के हो चुके हैं, उनमें अक्सर करके जो है बर्मा लग जाता है, जिसे आप तना छेदक बोलते हैं, सूट बोरर, जो गन्ने में भी लगता है और गन्ने के तने में छेद कर देता है, उसी प्रकार से ये जो है पॉपुलर में भी लगता है, और पॉपुलर के पेड़ को जो है बिल्कुल छलनी कर देता है, यानी उसको अंदर से उसमें बुरादा निकाल देता है। आप ध्यान करके देखिएगा कि मतलब जो है आप अगर अपने पेड़ के नीचे देखेंगे तो उसके नीचे जो है लकड़ी का जैसे बुरादा होता है, उस प्रकार से ही बुरादा इसके नीचे पड़ा रहता है। तो उससे समझ जाइए कि आपके पेड़ में जो है बर्मा लग गया, यानी तना छेदक लग चुका है। तो उसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे कि इसकी जो सुंडी होती है तना छेदक की, वो हमारी मिट्टी में ही अंडे देती है, और मिट्टी में अंडे देकर इल्ली बनने के बाद में 2 से 3 दिन के बाद में इल्ली बन जाती है, और इल्ली जो है वो धीरे धीरे जो है ऊपर चढ़कर और जहाँ से टहनियाँ चालू होती हैं वहाँ से 2-4 फुट ऊपर तक तो उस पर जो है वह क्या करती हैं, तने में छेद कर देती हैं, और तने में छेद करके उसके अंदर जो है घुस जाती हैं। तो जिससे क्या है कि हमारा पौधा रोगग्रस्त हो जाता है और वो पौधा चलना बंद हो जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले कार्य क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है इसमें ये 2 इंची चौड़ी टेप ले लेंगे। ये टेप जो है 2 इंची चौड़ी जो टेप है ये पॉलीथीन की टेप है, और इसको ऐसे ले करके और तने के ऊपर लगभग इसको 4 इंची तक हम ऐसे इसके ऊपर रोल कर देंगे। तो इसके रोल करने से क्या होगा कि हमारे जो पेड़ के ऊपर जो सुंडी चढ़ेगी वो सुंडी चढ़ नहीं पाएगी, वो इस पर रपटने लगेगी यानी फिसलने लगेगी, और फिसल के नीचे ही गिर जाएगी, पेड़ के ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि जो है ये पेड़ के मुलायम भाग में ही छेद करती हैं, टहलियों में छेद करती है, और उसके तने में जो मुलायम इसका भाग है उसमें छेद करती है। तो इस प्रकार से हम जो है 4 इंची तक इसके ऊपर ये जो पारदर्शी टेप है इसको लगा देंगे, तो इस पर वो रपट जाएगी यानी फिसल जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, नीचे ही गिर जाएगी, तो पेड़ का नुकसान बच जाएगा हमारा। और ये कार्य करने के बाद में हम इसके ऊपर जो है क्लोरोसाइफर का छिड़काव करें पेड़ के ऊपर, तो चने के तने के ऊपर जो हमारा लेप रहेगा उसका क्लोरोसाइफर का, तो उससे भी जो है हमारे इसमें तना छेदक असर नहीं कर पाएगा और हमारा पेड़ जो है क्षति होने से बच जाएगा। तो ये चीज़ें सावधानी करें किसान भाई, ज़रूरी जो क्योंकि हमने जो है बहुत इसमें रिस्क लेकर के पॉपुलर लगाया है अपने खेत में। तो किसान भाइयों, ये सभी पेड़ों के ऊपर हम धीरे धीरे लपेट देंगे, इस प्रकार से हम इसे लपेटते जा रहे हैं। ये देखिए, ये भी हम 4 इंची तक इसमें जो है अपने पॉपुलर के पेड़ पर इस पॉलीथीन को अच्छी प्रकार से रोल कर देंगे, ताकि जो है सुंडी ऊपर ना जा सके, वह फिसल के जो है नीचे ही गिर जाए तो वो क्षति नहीं पहुंचा पाएगी हमारे पेड़ को। तो दोस्तों, ये इसका मतलब रोकथाम का एक तरीका है, आप ये चीज़ कर कर के देखिए, मैं जो है गारंटी लेता हूं कि आपके पेड़ में जो है तना छेदक असर नहीं कर पाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको जो है अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को दबा दें और इसमें जो है आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को, साथ ही साथ इसको जो है शेयर कर दें, ताकि जो है दूसरे लोगों को भी इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पता लगे और आपके पेड़ जो है सोट बोरर से तना छेदक से बच जाए। नमस्कार।